लोकसभा चुनाव की गिनती कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त पचम्बा बाजार समिति गिरिडीह के जो मतगणना हॉल है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां पर जो है सो चहल पहल शुरू हो गई है। कुछ ही क्षणों में यहां पर जो है वो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बता दूं आपको कि बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन खुलेंगे और धीरे धीरे जो है सो रुझान आने शुरू होंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जुट गए हैं, जो मतदान कर्मी हैं, जो अभिकर्ता है, जो मतदान अभिकर्ता है, वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं यहाँ पर जो है सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, चारों तरफ चाक चौबंद है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जब गिनती शुरू होगी उसके बाद जो यहाँ का थोड़ा सा नजारा कुछ और ही होगा। और धीरे धीरे यहाँ पर लोग काफी संख्या में जुट रहे हैं, जो प्रत्याशी कुछ प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर 24 राउंड में गिनती होनी है। धीरे धीरे जो है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जो है सो आना जाना शुरू हो गया है, काफी संख्या में यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य खुलने शुरू हो जाएंगे। 99 न्यूज के लिए कोडरमा से पीयूष सिंह।